के तमाम राज्यों असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, जहां अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं, वहीं कृषि के क्षेत्र में भी अपना विशेष महत्व रखते हैं। पूर्वांचल राज्यों में होने वाली अलग अलग किस्मों की फसलें अगर आप तक एक ही कार्यक्रम के जरिए पहुँचे तो उस कार्यक्रम का नाम है बढ़ते कदम। कृषि की बात हो तो बागबानी का जिक्र जरूर आता है, क्योंकि यही आपको देखने को मिलते हैं खूबसूरत फूल, गुलाब, गेंदा, चमेली, गुड़हल, मोगरा, कमल। मुझे विश्वास है इन फूलों की खुशबू आप भी महसूस कर रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं असम में फूलों की बागबानी के बारे में। ये है गुवाहाटी, पूर्वोत्तर भारत का एक मुख्य शहर। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा ये नगर प्राचीन हिंदू मंदिरों के लिए भी जाना जाता है, जो प्राचीन असम कामरूप की राजधानी थी। पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार गुवाहाटी यहाँ की व्यवसायिक गतिविधियों का केंद्र भी है। गुवाहाटी को विश्व का सबसे बड़ा चाय का बाजार भी माना जाता है। आज यहाँ फूलों की बेपना खेती की जाती है। यहाँ की परंपरा, शादी विवाह सब में फूलों का विशेष महत्व है। यहाँ आपको छोटे से छोटे घर और बड़े से बड़े भवनों में फूलों का इस्तेमाल करते लोग मिल जाएंगे। फूलों की खेती को देखते हुए भारत सरकार ने भी ये सुनिश्चित किया है कि पुष्प उत्पादन का निर्यात हो एवं इसके उत्पादन में बढ़ोतरी हो। असम में फूलों की बागबानी एक सुनिश्चित प्रणाली बन चुकी है और हजारों लोगों को रोजगार से जोड़ रही है। गुवाहाटी के फूल बाजार में प्रतिवर्ष 20 करोड़ का व्यापार होता है। फूलों को खेतों से लाकर यहाँ बड़े पैमाने पर बेचा जाता है। खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच एक रिश्ता बनाते ये फूल एक बार फिर बताते हैं कि असम के लोग कितने गहरे तक फूलों से जुड़े हुए हैं। फूल की हमारे यहाँ अधिकतम खेती होती है। कोई भी पूजा समारोह या उत्सव हो, बिना फूल के संभव नहीं होता। मैं बचपन से ही फूल का व्यापार कर रहा हूँ। हमारे यहाँ गेंदा फूल की मांग सर्वाधिक है। स्थानीय फूल के तौर पर जवा फूल, रजनीगंधा, अपराजिता आदि ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ का स्थानीय फूल ज्यादा उपलब्ध है। 80% यही का फूल है, जबकि 20% कलकत्ता का। फूलों की खेती को बड़े पैमाने पर यहाँ के किसानों ने अपनाया है। खेतों में फूल उगाकर यहाँ के किसान ज्यादा मुनाफा तो कमा ही रहे हैं, अपने जीवन को एक नई गति भी दे रहे हैं। दूसरे फूलों की तुलना में यहाँ गेंदे के फूल की बिक्री सर्वाधिक होती है। गेंदे के अच्छे उत्पादन के लिए ग्रीष्म और शरद ऋतु अच्छी मानी जाती है, लेकिन ये भी सच है कि अधिक सर्दी और अधिक गर्मी गेंदे के उत्पादन के लिए ठीक नहीं है। गेंदे के उत्पादन के लिए 15 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान उचित माना जाता है। गेंदे के उत्पादन के लिए नर्सरी का चयन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। नर्सरी के लिए स्थान ऊंचा हो, जल निकासी का पूरा प्रबंध हो, नर्सरी का स्थान छाया रहित हो। जिस जगह पर नर्सरी लगाई जाती है उस जगह को समतल किया जाता है, उसके बाद क्यारियों को बना लिया जाता है और बीज की बुआई की जाती है। देखते ही देखते हरी धरती पीले रंग में बदल जाती है। दूर दूर तक गेंदे के फूल एक सुखद एहसास तो कराते ही हैं, किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य भी दिलवाते हैं।
कुछ वर्षों पहले तक गेंदा फूल पड़ोसी राज्यों से आयात किया जाता था, परंतु पिछले 4 सालों से स्थायी किसानों द्वारा उत्पादित गेंदा फूल राज्य के 100% मांग की आपूर्ति कर रहा है। ये एक बड़ी सफलता है और इसमें असम राज्य का अपना एक विशेष योगदान है। फूलों के इस पारिवारिक व्यापार में प्राप्त एक परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर काम करते हैं। असम में काबरूक जिले के हाजरू इलाके में लगभग 5,000 किसान फूल उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं तथा सरकारी अनुदान एवं सहायता द्वारा इस कार्य में अग्रसर है। मतलब अनेक रंगों के फूल यहाँ के लोगों के विकास में तो भागीदारी निभा ही रहे हैं, उनके जीवन में भी अनेक रंग बिखेर रहे हैं। फूलों को बाजार तक पहुँचाने में एक लंबी चेन का इस्तेमाल किया जाता है। किसानों से फूल, फूलों के थोक व्यापारी तक, फिर खुदरा व्यापारी और खुदरा व्यापारी रास्ते के किनारे छोटी छोटी दुकानों तक फूल पहुंचाते हैं। मतलब ये फूल हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनते हैं। असम में मंदिरों में छोटी छोटी जगहों पर फूल बेचते लोग आपको बड़ी मात्रा में दिख जाएंगे। फूलों के बेचने में ग्राहकों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। दुकानदार फूलों को सजाकर तैयार कर देते हैं, लेकिन ये भी सच है कि राज्य में एक अच्छी एवं आधुनिक तकनीक तथा सुविधा रहित फूल व्यापार की बहुत आवश्यकता है। असम में फूलों की बढ़ती पैदावार को देखते हुए सरकार फूलों के लिए नीलामी मंच तथा निश्चित व्यापार पर जोर दे रही है, जहां हर तरीके से इन फूल उत्पादकों के लिए सब सुविधाएं उपलब्ध हों। यहां कम से कम 500 से अधिक किसान व्यावसायिक तौर पर फूलों के उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं। असम कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित विभिन्न प्रकार के आधुनिक तकनीक एवं सुविधाओं ने पुष्प उत्पादन में लगे किसानों को काफी लाभ प्रदान किया। सिर्फ इतना ही नहीं, पुष्प उत्पादन के इन क्षेत्रों में किसानों की प्राकृतिक तथा मिट्टी की उपार्जक शक्ति को बढ़ाने में भी असम कृषि विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान है। फूलों ने यकीनन इन किसानों की मासिक आय में काफी वृद्धि की है। असम की मिट्टी, जलवायु व प्राकृतिक परिवेश फूलों के उत्पादन के लिए अनुकूल है और ये बात यहाँ के किसान अच्छी तरह जानते हैं और इसीलिए अपने यहाँ के फूलों की खुशबू को देश के कोने कोने में पहुँचाना चाहते हैं। फूलों की खुशबू के साथ साथ उत्तर पूर्व की एक और चीज है जिसकी खुशबू और स्वाद आपको हमेशा याद रहेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी की, और वो भी मेघालय की स्ट्रॉबेरी की। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये है मेघालय, मेघ आलय यानी मेघालय, इसे बादलों का घर भी कहते हैं। मेघालय उत्तर पूर्व का एक बेहद खूबसूरत राज्य है। प्रकृति यहाँ अपने सबसे खूबसूरत रूप में दिखाई देती है। ऊंचे ऊंचे वृक्षों के बीच बादल यहाँ इस तरह से गुजरते हैं मानो आपसे कुछ कहना चाहते हों। मन करता है हाथ बढ़ाकर इन्हें छू लिया जाए, कान लगाकर इनकी आवाज सुनी जाए। पहाड़ों, खूबसूरत झरनों और हरियाली से लबरेज मेघालय में आकर खुद से मुलाकात का एक अद्भुत एहसास होता है। यहीं पैदा होती है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी मुख्य रूप से एक यूरोपियन फल है, लेकिन मेघालय की मिट्टी एवं प्राकृतिक परिवेश स्ट्रॉबेरी उत्पादन के लिए बहुत अनुकूल है। स्ट्रॉबेरी एक महत्वपूर्ण नरम फल है जो स्वाद में हल्का खट्टा और मीठा होता है। ये पाली हाउस के अंदर और खुले खेत दोनों जगह में हो जाता है।
इसका पौधा कुछ ही समय में फल दे सकता है और इसका उत्पादन बहुत लोगों को रोजगार देता है। माना जाता है मेघालय में हमेशा से ही स्ट्रॉबेरी की खेती नहीं होती थी। आज से 11 साल पहले इस गांव के निवासियों को स्ट्रॉबेरी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक 60 वर्षीय किसान ऑस्टेंडर लिंगखोई को उसके दोस्त ने स्ट्रॉबेरी की खेती करने का परामर्श दिया, क्योंकि उसका विश्वास था कि यहाँ की मिट्टी स्ट्रॉबेरी उत्पादन के लिए बहुत अनुकूल है। जब 1998 में मैं बर्नीहट में काम कर रहा था, तब मेरा एक दोस्त लेस्टन बांसोई ने मुझे स्ट्रॉबेरी की खेती करने का सलाह दिया और उसके बाद मैं खेती करने लगा और देखते देखते आज धीरे धीरे स्ट्रॉबेरी का ऐसा बगान हो गया है। यहाँ के किसानों के लिए स्ट्रॉबेरी की खेती एक सपने के सच होने जैसी थी। स्ट्रॉबेरी की खेती यहाँ के किसानों के जीविका उपार्जन तथा आर्थिक आय में वृद्धि को दर्शाती है। मेघालय के रिबोई जिले के अंतर्गत लगभग 350 कृषक स्ट्रॉबेरी उत्पादन में लगे हुए हैं, जिनकी वजह से उनकी आर्थिक आय में वृद्धि हो रही है। बागवानी डिपार्टमेंट अर्थात हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने स्ट्रॉबेरी उत्पादन संबंधी हर प्रकार की सुविधाएं किसान को उपलब्ध कराई हैं, ताकि इसकी उत्पादन दर में वृद्धि हो सके। दालमी है, हम इधर में खेती करते हैं। मेरा नाम एबलिन दालमी है, मैं यही रहती हूँ और स्ट्रॉबेरी फल की खेती करती हूँ। इसी से हमारा घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई सब इसी से चलता है। स्ट्रॉबेरी लगाया है और मेरा नाम रोसा मेरिला मैम है, हम लोग यहीं पर रहते हैं। ये मेरी माँ का स्ट्रॉबेरी का बागान है। मैं शिलोंग में HS पढ़ रही हूँ। स्कूल की छुट्टी में मैं स्ट्रॉबेरी की खेती में अपनी माँ की मदद करती हूँ। स्ट्रॉबेरी दूसरे फलों के मुकाबले में जल्दी पैदा होती है, जिससे जल्दी आमदनी होनी शुरू हो जाती है। ये कम लागत और अच्छे मोल का फल है। विटामिन सी युक्त स्ट्रॉबेरी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा फल है। ये स्ट्रॉबेरी खेती में मेरा लिए तो अच्छा लगा क्योंकि ये प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। हम लोग स्ट्रॉबेरी की खेती से काफी खुश हैं, घर के लिए, क्योंकि इसके खेती से हमारी आर्थिक अवस्था पहले से काफी बेहतर हुई है। हम लोग इसके खेती से हम लोगों को जो पैसा मिलता है, उससे हम लोग घर खर्च, बच्चों की पढ़ाई में इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए बलुई और अच्छे पानी की निकासी वाली जमीन अच्छी होती है। पौधों की रोपाई के लिए अगस्त से अक्टूबर एक आदर्श महीने हैं। खेत में आवश्यक खाद उर्वरक देने के लिए बेड तैयार की जाती है। इसके पौधे अपनी उठी क्यारियों में लगाए जाते हैं। दो क्यारियों के बीच 3 से 4 फीट का अंतर रखा जाता है और क्यारियों में लगे पौधों के बीच की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। पौधों की रोपाई दिन के ठंडे समय में की जानी चाहिए। सिंचाई के लिए उत्तम गुणवत्ता वाला नमक रहित पानी होना चाहिए। पौधों को लगाने के तुरंत बाद सिंचाई करना आवश्यक है। सिंचाई सूक्ष्म फव्वारों द्वारा की जानी चाहिए। ये सावधानी भी रखनी चाहिए कि सूक्ष्म फव्वारों से सिंचाई करते समय पौधा स्वस्थ एवं रोग रहित रहे। फूल आने पर सूक्ष्म फव्वारा सिंचाई को बदलकर टपका विधि द्वारा सिंचाई की जाती है। खरपतवार, मिट्टी की गंदगी और दूसरे दुष्प्रभाव से बचाने और अच्छी फसल के लिए मल्चिंग करें। पौधों पर फूलों के आने के बाद मल्चिंग करना आवश्यक है। मल्चिंग काले रंग की पॉलिथीन चादर से करनी चाहिए, जिससे खरपतवारों पर नियंत्रण एवं फलों को सड़ने से बचाया जा सके। पौधों को पाले से बचाने के लिए ऊपरी उठी क्यारियों पर पॉलिथीन की चद्दर से ढकना आवश्यक है। चद्दर को क्यारियों से ऊपर रखने के लिए बांस की डंडियां या लोहे के तार से बने हुक्स का प्रयोग किया जाता है। ढकने का काम सूर्यास्त से पहले कर लें और सूर्योदय उपरांत इस पॉलिथीन की चादर को हटा दें।
यहाँ के लोगों को ये समझने में देर नहीं लगी कि यहाँ की मिट्टी इस प्रकार के सर्वती फलों की खेती के लिए अनुकूल है। यहाँ के किसानों ने जैविक खाद्यों का उपयोग कर मिट्टी की उपार्जक शक्ति को और अधिक उपजाऊ बनाकर उत्पादन दर में बढ़ोतरी की है। यहाँ मेघालय में पैदा होने वाली स्ट्रॉबेरी का ही कमाल है कि पिछले कुछ वर्षों से पर्यटन विभाग स्ट्रॉबेरी उत्सव अर्थात स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का आयोजन करता आ रहा है। सर्वप्रथम स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल सन 2004 में वैलेंटाइन डे के दिन आयोजन किया गया था और तब से प्रत्येक वर्ष इस उत्सव का आयोजन हो रहा है। स्ट्रॉबेरी की बेपनाह किस्में और स्वाद इस उत्सव में आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस उत्सव में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से पर्यटक, निवेशक एवं व्यापारी भाग लेते हैं और अपने अनुभव सबके साथ बांटते हैं। मेरा नाम सुनकोई जिमी है। मैं एक स्ट्रॉबेरी व्यापारी हूं। मैं स्ट्रॉबेरी उत्पादन संस्था से स्ट्रॉबेरी खरीद कर उसका लस्सी एवं शरबत बनाता हूँ। स्ट्रॉबेरी योगर्ट एंड स्ट्रॉबेरी लस्सी। ये स्ट्रॉबेरी से हम लोग वाइन भी बनाता है। ये स्ट्रॉबेरी जो नरम होने वाला है। हम लोग स्ट्रॉबेरी से शराब भी बनाते हैं। इससे बना हुआ शराब बहुत ही रसीला और बढ़िया होता है और इसका दाम ज़्यादा होता है क्योंकि एक केजी स्ट्रॉबेरी से 3 बोतल शराब बनता है और उस एक बोतल शराब का दाम 400 रुपये होता है। और एक बोतल का वाइन में 400। भारत के पूर्वांचल में स्थित मेघालय के इस छोटे से गांव की स्ट्रॉबेरी आज उत्तरी यूरोप से लेकर अमेरिका तक पहुंच चुकी है। स्ट्रॉबेरी शुद्धता एवं सादगी का प्रतीक है। देखने में सुंदर और स्वाद में लाजवाब स्ट्रॉबेरी आज मेघालय के 350 से अधिक ग्रामीण परिवारों की जीविका को प्रभावित करती है और अपनी सफलता की कहानी आप बयां करती है। फूलों की सुगंध और स्ट्रॉबेरी के स्वाद के बाद आपकी तबीयत ना बिगड़ जाए, इसके लिए भी उत्तर पूर्व में विभिन्न औषधियों की एक बड़ी तादाद है। जी हाँ, आइए आपका परिचय कराते हैं त्रिपुरा के मेडिकल प्लांट से। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। त्रिपुरा भारत के पूर्वांचल में स्थित एक छोटा सा पहाड़ी राज्य है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला सांस्कृतिक रूप से काफी समृद्ध है। हरोआ नदी अगरतला शहर से होकर गुजरती है। पर्यटन के लिहाज से ये एक ऐसा शहर है जहां मनोरंजन के तमाम साधन हैं, एडवेंचर के ढेरों विकल्प हैं। यहां की हसीन वादियां त्रिपुरा को और भी खूबसूरत बना देती हैं। इन तमाम खूबियों के साथ साथ यहाँ बड़ी मात्रा में औषधीय वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ के पर्वतीय अंचल तथा जंगलों में प्राकृतिक तौर पर विभिन्न प्रकार के औषधीय पेड़ पौधे हैं, जो यहाँ के लोगों के रोजगार का बड़ा माध्यम तो है ही। पूरे देश में इलाज के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली जड़ी बूटियों का खजाना भी है। प्राकृतिक परिवेश, जलवायु औषधि वृक्ष के लिए अनुकूल एवं उपजाऊ है और ये बात यहाँ के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं।
एमपीबीटी स्कीम। यहाँ हम लोगों ने 2015-16 के एमपीबीटी योजना के अंतर्गत बगानी की है और इसमें मैंने आंवला, जलपाई, सतमौला, बेर आदि पौधों को लगाया है। हम लोग बहुत गरीब हैं और इस तरह बागानी काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। हम लोग किस तरह से जंगल को बिना कोई क्षति पहुंचाए इस प्रकार उपयोगी पौधों का उत्पादन कर सकते हैं, उसी की कोशिश में लगे हुए और इसकी मदद से हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है। स्वनिर्भर होते पारे एवं वन ध्वंस ना करे। इस प्रकार की औषधियों के लिए विख्यातपुरा के लोग प्राचीन काल से इस प्रकार की औषधि एवं जड़ी बूटियों का उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए करते आए हैं। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के लोग तो हमेशा से ही वनौषधि का उपयोग ही करते आए हैं। वे इस प्रकार के पेड़ पौधों का संरक्षण कर रहे हैं। अब तक यहाँ कम से कम 9,500 प्रजातियों के पेड़ पौधे उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग वनौषधि के रूप में किया जाता है। इनका इस्तेमाल, संरक्षण, उपयोग यहाँ के लोगों को रोजगार तो देता ही है, उन्हें स्वस्थ भी रखता है। अक्टूबर 2014 की बात है, हम लोगों ने अनुभव किया कि हमारे जंगलों के औषधीय संबंधी जितने पेड़ पौधे हैं सब खत्म हो चुके हैं, जिसके कारण कविराज लोगों का इलाज सही रूप से नहीं कर पा रहे हैं और एलोपैथी भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। तब हम लोगों ने सरकार से आंशिक सहायता लेकर वनौषधि कार्य में लग गए। त्रिपुरा राज्य की आर्थिक बढ़ोतरी में भी औषधीय वृक्षों का महत्वपूर्ण योगदान है। प्राकृतिक परिवेश के कारण यहाँ के लोगों का इन औषधियों के साथ एक अटूट रिश्ता है। ये औषधियाँ इनके मित्र भी हैं और इनके व्यापार का जरिया भी। ये औषधियाँ यहाँ के लोगों को शारीरिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। मेरे छोटे बच्चे के शरीर में एक छोटा सा लाल फोड़ा हो गया था। तब मैंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब मैंने आयुर्वेद की सलाह ली और कविराज से दिखाया। उनके द्वारा दिया गया औषधि जब मैंने बच्चे के घाव पर लगाया वो बिल्कुल ठीक हो गया। हम लोग घर पे तो स्किन डिजीज का ऊपर हम लोग त्वचा संबंधी रोग, गैस आदि का दवा ज्यादा बनाते हैं और इसके जड़ी बूटी त्रिपुरा के जंगलों में उपलब्ध है। मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ऑफ त्रिपुरा, वनौषधि वृक्षरोपण बोर्ड त्रिपुरा एमपीबीटी का मुख्य उद्देश्य है वनौषधि वृक्षों का संरक्षण एवं वृक्षारोपण करना। त्रिपुरा में लगभग 266 प्रजाति के औषधि वृक्ष उपलब्ध हैं। यह केंद्र जो कि वन आधारित आजीविका एवं प्रसार केंद्र अगरतला, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहट की एक इकाई है। अगरतला में यह संस्थान जुलाई 2012 में स्थापित हुआ। यह संस्थान भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान एवं शिक्षा परिषद देहरादून की एक इकाई है और देश भर में फैले 13 केंद्रों में से एक है। इसमें प्रमुख गतिविधियां हैं जैसे बैम्बू प्रोपगेशन। राज्य में वनौषधि के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार किसानों के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। हर प्रकार की सुविधा, तकनीकी साधन एवं सब्सिडी ग्रामीणों को मुहैया कराई जा रही है ताकि वनौषधि की बढ़ोतरी से ग्रामीणों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान हो सके। राज्य की ये विरासत हमेशा मौजूद रहे और इनके उत्पादन और इस्तेमाल से यहाँ रहने वाले लोग सदा इसी तरह हंसते रहें।